हेलो फ्रेंड्स, आज बताने जा रहे हैं आपको लड्डू गोपाल के लिए पंचू, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर लिए हुए हैं। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और मैंने 11 नंबर सिलाई ली हुई है, इसी से मैं आपको आज लड्डू गोपाल के लिए पंचू बताऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने सिंगल ही धागे से 22 फंदे डाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल को आराम से आ जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कान्हा का पोंचू आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे 22 फंदे मैंने डाल लिए हैं 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। और यहाँ पे मैं इसी तरह से दो सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, इसी तरह से दोनों तरफ से बनाते हुए उल्टी सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो सिलाइयाँ बना ली हैं इस तरह से। इसके बाद हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से हमने इसमें ये देखिए वाइट कलर को लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर को लगा दिया है और एक सिलाई इसी तरह से उल्टी वाइट कलर से भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए एक वाइट की भी बना के इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक सिलाई बना ली है, ये देखिए। अब इसके बाद ये देखिए, पहला फंदा हम उतारेंगे धागा अपनी तरफ करके, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाली डालेंगे। तो किस तरह से डालनी है हमने, ये देखिए धागा अपनी तरफ है, ये देखिए एक जाली हम बना लिए। इसके बाद हम सीधा फंदा बनाएंगे, ये देखिए जाली डालने के बाद फिर दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे इस तरह से फिर से हम जाली डालेंगे, ये देखिए धागा अपनी तरफ करके इधर के हम ये 10 फंदों को उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये दो सिलाई हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से वाइट कलर की दो सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। वापस हम एक सिलाई इस कलर की ही बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो एक सिलाई हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम हैं सीधी तरफ फिर से। अब ये देखिए, फिर से मैं आपको जाली बताऊंगी किस तरह से हमने बनानी है। तो यहाँ पे ये देखिए दो फंदे बनाए, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। 10 जाली हम बना लिए, 10 फंदे हम बना लिए हैं। और ये जाली वाला फंदा हम 11वां फंदा हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने बना लिया है जो बढ़ चुका है। इसके बाद हम ये देखिए धागा अपनी तरफ है, इस तरह से हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। आप लपेट के भी धागे को बना सकते हैं इस तरह से भी। तो हम फिर से एक फंदा हम सीधा बना लेते हैं। इसके बाद हम जो जाली वाला फंदा है, इसके बाद हम जाली वाले फंदे पे इधर जाली बनाएंगे जो बढ़ चुका है फंदा उस पे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए धागा अपनी तरफ करके फिर बाकी के फंदे हम सब उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं उल्टे फंदे, इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। हमने बना ली है, इसके बाद हम उल्टी तरफ हैं। अब यहाँ से हमने वाइट कलर ही चलाना है इस तरह से। वाइट कलर से ही हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को बना लेते हैं, सीधी पे हम आपको फिर दिखाते हैं।
मैं यहाँ पे फिर से सीधी तरफ हूँ, तो मैं आपको फिर से जाली बता रही हूँ किस तरह से हमने बनानी है। ये देखिए जो बढ़ चुका है फंदा, इसको हम उल्टा बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से एक जाली हम बनाए, एक जाली बना के फिर हम दूसरा फंदा बिल्कुल सीधा बनाएंगे। इसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर हमने जो बढ़ चुका है फंदा इस पे हम जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके बाकी के फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल 12 जालियाँ इसी तरह से बना लेती हूँ। 12 जालियाँ हम बनाने के बाद आपको फिर दिखाते हैं। वाइट कलर ही हमने, वाइट कलर से ही बनानी है। अब ये हमारा वाइट कलर ही चलेगा इस तरह से। यहाँ पे ये 12 जालियाँ टोटल हो चुकी हैं पूरी, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हमने जो ये कलर लगाया है, एक सिलाई लगाई है, इस पे भी हमने ये जाली बनाई हुई है। टोटल मेरी 12 जालियाँ हो चुकी हैं और 12 ही सिलाइयाँ हो चुकी हैं। इसके बाद हम वाइट कलर लगा दिए हैं उल्टी तरफ से। इसके बाद हम जाली नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई में बिना जाली डालते हुए को बना करके कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है। जिनको नहीं आता है वो भी आराम से इसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हम जाली नहीं डाल रहे हैं, पूरी सिलाई को उल्टा बना के ये देखिए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। वापस हम यही कलर लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, और पूरी सिलाई हम ये देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं सीधी सिलाई पे आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने कंगूरा बनाने हैं इसमें। तो चलिए हम ये बना लेते हैं उल्टी सिलाई को। फ्रेंड्स हमने उल्टी तरफ से कलर को लगा लिया है। अब इसके बाद ये देखिए हम पहला फंदा उतार के यहाँ पे दो फंदे हम बना लेते हैं और यहीं से ये देखिए वापस हो जाएंगे। अब इसमें हम आपको कंगूरा बता रहे हैं किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ पे दो फंदे बना लिए, ये देखिए, और तीसरा फंदा हमने ये बना लिया और यहीं से वापस हो जाएंगे और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के ये देखिए इस तरह से। तो तीन फंदे बना चुके हैं। अब हम यहाँ पे चौथा फंदा ले लेते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे चार फंदे हो चुके हैं। इसके बाद हम यहीं से उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। ये अब ये देखिए, तो चार फंदे का हम कंगूरा बना रहे हैं, तो तीन फंदे हम इसमें घटाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, एक, दो और ये देखिए तीन। इसी तरह से तीन तीन फंदे का कंगूरा हम छोटा छोटा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हम दूसरा फंदा यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे। इसी तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ। दो फंदे हो चुके हैं, तीसरा फंदा हमने इसमें से ले लिया और यहीं से वापस, ये देखिए। अब हम चौथा फंदा लेंगे, ये देखिए मैं चौथा फंदा बनाऊंगी। ये चौथा फंदा हमने ले लिया है और यहीं से वापस हो जाएंगे। चार फंदे हमने बनाए हैं और तीन फंदे हम इसमें से अब घटा देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक, दो, तीन, तो तीन फंदे हमने घटा दिए। ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे कंगूरे इसमें बना के कंप्लीट कर लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे ये हमने सभी कंगूरे घटा दिए हैं और यहाँ पे हमारा एक पार्ट बन के कम्प्लीट है।
इसी तरह से हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो चलिए हम दूसरा पार्ट बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने दूसरा पार्ट बना लिया है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है उसी तरह मैंने ये दूसरा पार्ट बना लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए, हम दोनों पार्ट बनके कंप्लीट हैं। अब यहाँ पे हम दोनों पार्टों को उल्टा रख लेंगे और उल्टा रख के हम दोनों तरफ की यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो कोई भी धागा लेके हम सिलाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सिल लेते हैं, ये देखिए। हर चैन में से निकालते हुए दोनों तरफ की हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे सिल लेती हूँ इसको दोनों तरफ से और आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा पोंचू बन के कम्प्लीट है। ये देखिए, हमने पॉम पॉम्स भी लगा दिए हैं इसमें, तो हमने आगे ही डोरी लगाई है। पूरी में भी आप डोरी लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए, हमारा सुंदर सा पोंचू बन के कम्प्लीट है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना लिया है। ये देखिए, ये उल्टी साइड है और ये हमारा सीधी साइड है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कान्हा जी का पोंचू आपको कैसा लगा। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।